कोविड काल में हर एक संस्था व नेता जिला प्रशासन की मदद करने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन क्या वह मदद जरूरतमंद के पास पहुंच रही है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल हर किसी की जुबान पर है। बिलासपुर जिला की बात करें तो यहां पर कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लाखों रुपए की लागत वाले कोविड उपकरण भेजे गए थे, जिसको बिलासपुर के सदर के विधायक व प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा जिला प्रशासन व सीएमओ को दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक भी उपकरण जिला अस्पताल बिलासपुर प्रशासन के पास नहीं पहुंचा है। जिला की एसीसी बरमाणा फैक्ट्री, फोर लेन कंपनी सहित अन्य निजी संस्थाओं ने ऑक्सीमीटर जिला प्रशासन की मदद के लिए भेजे, लेकिन उनमें से भी एक भी उपकरण अस्पताल प्रशासन को मदद के लिए नहीं भेजा गया। अस्पताल को 65 बेडेड बनाया गया है। कोविड केयर सेंटर में अस्पताल प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर सारा खर्च किया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पर स्थित आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर में भी अस्पताल प्रशासन ने अपने स्तर पर सारे उपकरण उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से एक भी कोविड उपकरण अस्पताल प्रशासन को नहीं सौंपे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन को आए दिन कोई न कोई संस्था व नेता मदद के लिए ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य उपकरण दिए जाते हैं, लेकिन इसकी जरूरत जहां पर है वहां इन्हें उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। अस्पताल के MS डॉक्टर NK भारद्वाज से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल को अभी तक सिर्फ जिला की साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा 60 PPE किट्स व बीते कल उपायुक्त द्वारा जो हांगकांग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा एक मास्क तक अस्पताल प्रशासन को जिला प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि प्रशासन को आए दिन मिल रहे उपकरण की मदद का सामान आखिरकार जा कहां रहा है। अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एक ऑक्सीमीटर तक प्रशासनिक अधिकारियों या निजी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। आपको बता दें कि कुछ सप्ताह पहले ही फोर लेन निर्माण कंपनी द्वारा जिला प्रशासन को 60 ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए गए थे। इसके बाद नगर के एक व्यवसायी ने 50 ऑक्सीमीटर दिए थे। यही नहीं, जिला के स्वयंसेवी भी आए दिन प्रशासन की हर संभव मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन जहां पर इन सामान की जरूरत है वहां एक भी सामान ना पहुंचना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ, हमारे पास जो आज जो हमने जितने जो उपकरण है, जितना हमारा जो 85 बेडेड जो हमारा कोविड हॉस्पिटल चल रहा हुआ है, तो जो भी सामान हमने लिया हुआ वो हमारा जो गवर्नमेंट का जो बजट है हमने उससे परचेज किया हुआ। कमी हमारे पास किसी काम की नहीं है। हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर भी है, रेगुलेटर भी हैं, मतलब थर्मामीटर भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, और जो ऑक्सीजन रेगुलेटर है सब हमारे पास है। कुछ नहीं जिसकी कमी है, लेकिन फिर भी जैसे आप लोग बता रहे हैं कि कहीं से सप्लाई आ रही है, कोई हमारे माननीय मंत्री महोदय नड्डा जी भी दे रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी ने भी हमारे को सप्लाई भेजी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज तक हमारे को केवल 60 PPE किटें मिली हुई है, वो भी किसी संस्था जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशन की संस्था उसने दी हुई है, और कल हमारे को माननीय हमारे जो उपायुक्त महोदय उनके द्वारा 10 जो है जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। इसके सिवाय हमारे हॉस्पिटल को अभी तक कहीं से भी किसी तरह की कोई मदद या मुहैया नहीं हुई है। नॉट इवन सिंगल मास्क और इवन नॉट इवन सिंगल 995। हम अपने लेवल पे ही सब कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं।